चैनल में हार्दिक स्वागत है। सुप्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम रंगनाथ का चरित्र चित्रण देखते हैं। रंगनाथ उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। बहुत ही दुखी और आश्चर्यचकित होकर शिवपालगंज की जिंदगी को देखता है। इतिहास में एमए कर चुका है तथा रिसर्च भी कर रहा है। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, शहरी जीवन से थोड़ा बदलाव के लिए अपने मामा वैद्य जी के यहाँ शिवपालगंज जाता है। एमए करने के बाद नौकरी नहीं मिलती, रिसर्च करता है जिसे वह घास खोदना अर्थात कोई बौद्धिक कार्य नहीं मानता। वर्तमान शिक्षा पद्धति से दुखी है। रंगनाथ नवयुवक होकर भी सशक्त व्यक्ति साबित नहीं होता। जब वह शिवपालगंज की यात्रा शुरू करता है तब भी जिस ट्रक में सवार होकर शिवपालगंज जाता है उस ट्रक का ड्राइवर उसे ट्रक का गियर पकड़ा कर संभालने के लिए दे देता है। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती लेकिन विरोध नहीं करता और अनमने मन से वह कार्य करता है। गांव के हालातों को देखकर भी हैरान परेशान होता है पर कुछ नहीं कर पाता। मामा के यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आया था किंतु मानसिक संतरास से गुजरता है। रंगनाथ के चरित्र की विशेषता यह है कि वह सदैव वैचारिक संघर्ष में डूबा रहता है। जीवन के दो विपरीत किनारों पर संघर्ष करता रहता है। जीवन की समस्याओं से डरा हुआ रहता है। अवसर आने पर उनसे सामना करने में असमर्थ रहता है जो उसके आत्मविश्वास की नगण्यता की ओर इशारा करते हैं। रंगनाथ को एक तटस्थ दृष्टा कहा जा सकता है क्योंकि गांव में उसके सामने जो कुछ भी घटित होता रहता है वो गलत होता है लेकिन वह उसका विरोध नहीं कर पाता, अपने आप पर ही खींचता रहता है। गांव वाले भी उसकी तार्किकता को नहीं मानते। मेले में भगवान की विशेष मूर्ति को सिपाही की मूर्ति बताकर हंसी का पात्र बनता है, अपने जीवन कौशल में अनाड़ी होने का प्रमाण देता है। रुपन भी उसे कहता है, कसूर तुम्हारा भी नहीं तुम्हारी पढ़ाई का है। आधुनिक शिक्षा केवल जानकारी देती है, ज्ञान नहीं देती। कॉलेज के प्रिंसिपल खन्ना मास्टर के स्थान पर रंगनाथ को नौकरी देना चाहते हैं पर रंगनाथ के उसूलों के खिलाफ होता है जिसकी वजह से वह मना कर देता है। किंतु प्रिंसिपल भी उसे कहते हैं कि कुल मिलाकर साबित होता है कि तुम गधे हो। जीवन मूल्यों के विघटन को देखकर दुखी होता है रंगनाथ। सोचता भी है कि कुछ करना चाहिए किंतु इसके उपाय का रास्ता उसके पास नहीं है। वह शहरी जीवन से छुटकारा पाने के लिए कुछ दिन के लिए गांव के वातावरण में ताजगी महसूस करने आता है किंतु वैचारिक भ्रष्ट वातावरण में उसका दम घुटने लगता है। शुरुआती दिनों में यहाँ का वातावरण, जीवन, रहस्य उद्घाटन उसका मनोरंजन करते हैं लेकिन जब धीरे धीरे घटनाओं के पीछे के गंदे सच उसे समझने लगते हैं तो पीड़ा से खींच, खींच से क्रोध और अंत में क्रोध में कुछ न कर पाने के कारण विवशता उसे निराश करती है। इस प्रकार हम बिंदु रूप में अब रंगनाथ के चरित्र की विशेषता देखेंगे कि पढ़े लिखे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, काल्पनिक जगत में विचरण करता है, अकर्मण्यता, पुंसहीनता, पलायनवाद का प्रतीक है। कुल मिलाकर राग दरबारी में रंगनाथ का चरित्र चित्रण यथार्थपूर्ण है। परिस्थितियों से समझौता करने की विवशता, बौद्धिक लाचारी उसके दुर्गुण हैं, विवेकशीलता, स्वाभिमान का अभाव है उसमें, पढ़ा लिखा होकर भी अत्याचार के विरोध में विद्रोह नहीं कर पाता, शिक्षा से आई नपुंसकता की भावना उसमें घर कर गई है। रंगनाथ की पीढ़ी कर्तव्य विमूढ़ साबित होती है, पढ़ा लिखा होकर भी गांव के अनपढ़ों के आगे मात खा जाता है, एक सशक्त नौजवान साबित नहीं होता है।
अब हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलिए। अब हम वैद्य जी का चरित्र चित्रण देखते हैं कि वैद्य जी आधुनिक भारतीय राजनेता के प्रतिरूप हैं। आज़ादी के बाद राजनीति के सूत्रधार हैं। ऐसी ही भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति जो लोकतंत्र और लोकहित के नाम पर अपने पैर फैला रही है, जो देश को गुमराही के रास्ते पर ले जाएंगे। अंग्रेजों के अत्याचार षड्यंत्रों से मुक्ति तो मिली, किंतु अपने ही देशवासियों ने अत्याचारों षड्यंत्रों के शिकार बना लिए और देशवासियों का दर्द अलग अलग रूपों में वैद्य जी के चरित्र के षड्यंत्रों से स्पष्ट दिखाई देता रहा। इस स्वार्थपूर्ण राजनीति में वैद्य जी में मूल्यहीनता, गुटबंदी, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, सत्तांधता आदि को देखने को मिलता है। ये एक खर्राट बूढ़े हैं जो सौम्यता और शालीनता का जामा पहने हैं तथा एक रंगे सियार हैं। राजनीति के पैतरेबाजी के ऐसे मंजे खिलाड़ी हैं कि उनके विरोधी भी उनके खिलाफ नहीं जा पाते। गांव के तमाम गुंडा तत्व इनकी छत्र छाया में पलते हैं। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद पर भरोसा करने वाले भ्रष्ट सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ पुतले हैं। एक लंबी लड़ाई और कठिन संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ, एक नई राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई, किंतु वैद्य जी जैसे नेताओं ने आज़ाद भारत के मीठे सपने में कांटों के बीज बो दिए और व्यक्तिगत स्वार्थपरता को ही देश प्रेम और उद्देश्य मानने वाले नेताओं ने अपने खजाना भरने शुरू कर दिए। देश सेवा को ताक पर रखकर सत्ता हथियाना ही ध्येय बन गया, जिसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं रही। यह वैद्य जी तो आम नेताओं का प्रतीक हैं, या देश भर में सभी जगह शिवपालगंज जन्म ले चुके हैं। नेताओं की तरह दो मुहेपन का प्रतीक है, जिनके मुख में सदा समाज संस्कृति के लिए सम्मान गीतोपदेश देने वाले वैद्य जी बगल में षड्यंत्र की छुरी दबाए रखते हैं। आप पेशे से वैद्य ही हैं, लेकिन मानवीयता विवेक तो उन्हें छूकर भी नहीं निकलता। परिवार समाज देश को तोड़ने के लिए मेहनत करने वालों के वास्तविक रूप को दिखाया गया है। पिता पुत्र भाई भाई में अपनत्व नहीं रहा, इसका दायित्व नेताओं को दिया जाता है। इसका उदाहरण हम वैद्य जी के परिवार में देख सकते हैं कि जो कार्य वैद्य जी ने समाज के लिए किया, वही कार्य उनके पुत्र ने उनके लिए किया। अंत में वैद्य जी का बेटा रूपन अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है, विद्रोह करता है। अब हम वैद्य जी की चारित्रिक विशेषताओं को बिंदु रूप में देखेंगे कि वे एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, अमानवीय व्यक्ति हैं, रंगा सियार हैं, तानाशाह, तिकड़मी, षड्यंत्रकारी हैं, क्रोधी, लालची, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नेता की जिम्मेदारियों से लापरवाह हैं, देश सेवा के स्थान पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सतर्क रहते हैं। इस प्रकार उपन्यास के दो महत्वपूर्ण चरित्रों की चारित्रिक विशेषता या चरित्र चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। आप अगर अन्य चरित्रों की विशेषता या चरित्र चित्रण टिप्पणी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे क्लिक करके आपको सारे नोट्स उस लिंक पर मिल जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि यहाँ आपके लिए इस उपन्यास पर आधारित क्रमवार दृश्य के अनुसार प्रश्नों और उत्तर तैयार कर दिए गए हैं, जो आपको उत्तर लिखने में भी सहायता होंगे, साथ ही साथ उपन्यास को समझने में भी अवश्य सहायक होंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आपको यह पाठ्य सामग्री अवश्य उपयोगी होगी, सहायता करेगी और पाठ को समझने में भी मदद करेगी।
कमेंट सेक्शन में अपने विचार सुझाव अवश्य लिखिए, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। यहाँ पाठ्य सामग्री पूरी होती है। धन्यवाद।